हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो बाइनेंस V2 की जितनी भी वीडियो है वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें देख सकते हो। अभी इन शॉर्ट मैं आपको स्टॉप मार्केट ऑर्डर लगा के दिखाऊँगा और किस तरीके से स्टॉप मार्केट ऑर्डर लगता है ये आपको क्लियर करूँगा। तो सपोज़ मानिए मैंने ये सिंबल ले लिया, सिंबल के बीच में आपको स्लैश लगाना बहुत ज़रूरी है, दोनों पेयर के बीच में मैंने लगा रखा है, तो मैंने इधर डेमो सिंबल था उसी को कॉपी कर लिया। क्वांटिटी में 0.01 डाल दिया मैंने, आप चाहो तो इसे परसेंटेज में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो करेंसी में भी डाल सकते हो, मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। जो भी प्राइस चल रहा है उससे $2000 ऊपर लग जाए, एग्जैक्ट प्राइस हम नहीं डाल सकते, हम ये डाल सकते हैं कि कितना ऊपर लगना है कितना नीचे लगना है, तो हमने डाल दिया अबाउ द प्राइस। उसके बाद बाय कर दिया, अब उसके बाद हमने $2000 डाल दिया इधर, आप चाहो तो इधर 10% 20% परसेंटेज में भी वैल्यू डाल सकते हो, मैंने जनरेट कर दिया, सेंटेक्स जनरेट हो गया, मैंने इसे कॉपी करा। तो क्या करना है आपको, अपने इंडिकेटर के साथ ये चीज़ें करनी है, तो मैं इधर ये सेंटेक्स को डाल देता हूँ, इधर नाम डाल देता हूँ स्टॉप मार्केट ऑर्डर, एज अ रेफरेंस के लिए नाम डाल दिया। वेबुक मेरा पहले से ऐड है इसलिए मैंने डाला नहीं, आपको वेबुक URL डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। वेबुक URL आपके डैशबोर्ड में ये रहा सीक्वेंस वेबुक, यहाँ से मिलेगा जो कि मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। तो अभी के लिए हम चलते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं, सेव कर हम इसे मैनुअल ट्रिगर कराएंगे। मैनुअल ट्रिगर कराने से पहले मैं आपको बाइनेंस अकाउंट पर ले जाता हूँ और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि अभी मेरे पास कोई भी ओपन ऑर्डर भी जीरो है और पोजिशन भी जीरो है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं इसे ट्रिगर कराता हूँ, जैसे मैं ट्रिगर कराऊंगा तो यहाँ पर राइट साइड में अलर्ट्स आएगा, वेट करते हैं अलर्ट्स काम या आया, और बाइनेंस पे जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाएगा, देखो ओपन ऑर्डर में 1 ऑर्डर हो गया। तो जो करंट प्राइस चल रहा था उससे इनने 2000 ऐड करके इनने ये वैल्यू लगा दी, और जैसे ही इस प्राइस के इक्वल आएगा या ग्रेटर देन होगा या आपका बाइनेंस का काम है, आपका ऑर्डर फिलअप कर देगा। तो ये तो हो गया अपसाइड के लिए। सपोज़ मानो अब मुझे नीचे लेना है, मार्केट जो चल रही है उससे नीचे लेना है, तो मैं इधर जाऊंगा और इधर जाने के बाद मैंने पहले क्या करा था, अबाउ द प्राइस करा था, इसे बिलो द प्राइस कर दूँ। आप चाहो तो दोबारा से पूरा सेंटेक्स बना सकते हो और जनरेट सेंटेक्स कर दूंगा, कॉपी करूंगा और इसे टिगर कराऊंगा। तो इसे टिगर कराने के लिए मुझे क्या करना है वो दिखा देता हूँ। मैं इधर गया, इधर जाने के बाद एड अलर्ट करा और एडिट अलर्ट्स करा और इसे मैंने रिमूव कर दिया, जो मेरा ओल्ड सेंटेक्स था इसे डाल दिया और क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद दोबारा से मैं इसे टिगर कराऊंगा, राइट साइड में अलर्ट्स आएगा, आप देख सकते हो इधर अलर्ट्स आएगा, आया और इधर गया, ये दूसरा ऑर्डर भी लग गया। अब ये देखोगे तो बिलो द प्राइस, जो करंट प्राइस है उससे 2000 माइनस करके इन्हें खुद ही लगा दिया। इस तरीके से आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा। थैंक यू।